भोले मैया की जय, भोले लक्ष्मी दुर्गा मैया की जय। सम्मानी उपस्थित दर्शकगण, आदरणीय मंच आयोजन समिति एवं निर्णायक मंच उपस्थित मातम बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम मोरिया की पावन धरा पर हमें यह मंच प्राप्त हुआ है और आज का राम नाम रूपी गंगा प्रवाहित लिए समिति के द्वारा जो प्रसंग रखा गया है उस प्रसंग पर हमें अपनी प्रस्तुति देना है। आप सभी को हमारे मंडल की ओर से सत सत नमन करते हुए हम अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आइए एक एक नासिका स्वर के नासिका स्वर से बांसुरी वादन और छोटी सी कला का प्रदर्शन करें। चरण छुअत नहीं
Bye.
हमें जो प्रसंग मिला है वह संत शिवमुनि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड दोहा क्रमांक 265 से लिया गया है। प्रसंग का दोहा इस प्रकार है, गौतम पिय गति सुरत करी नाही पर सती पग पान मन बिहे से रघुवंश मरि प्रीति अलौकिक जान। अर्थात सीता जी के मन में संकोच है, प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी प्रभु के गले में जयमाल डाल चुकी थी और उनके चरण स्पर्श करना था, परंतु माता सीता के मन में संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? कि गौतम नारी अहिल्या की जो गति प्रभु ने दी थी वह उनके मन में याद आया और इस कारण से उनके मन में संदेह होने लगा कि मैं प्रभु के चरण किस प्रकार छूं। यह अलौकिक प्रीति को देखकर प्रभु मन हंसे। जब सीता स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजा वहाँ उपस्थित हुए, सबने अपने अपने बल को आजमाया, परंतु किसी से धनुष तीर भर भी न हट पाया और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को तोड़ा गया। उस समय देवताओं में अपार खुशियां हुई, फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, देवता नाग किन्नर मनुष्य सब जय जयकार करने लगे कि आज माता जानकी के योग में वर मिल गया और उनकी आरती करने लगे। उस समय सीता जी की सखियां कहती हैं कि हे सखी, अब जाओ, समय आ गया है, आप प्रभु के चरण स्पर्श करो। परंतु सीता जी के मन में गौतम नारी अहिल्या की गति स्मरण करते हुए वह संकोच करती है। अब संकोच किस बात का, वह क्या संकोच करती, क्या गति है? सीता जी मन ही मन उन भावों को अपने मन में लाती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के अलौकिक प्रेम को समझ जाते हैं और समझते हुए उनकी अलौकिक प्रीति को देखकर मन ही मन हंसते हैं। पहला कारण तो यह था, सीता जी मन में सोचती है कि यदि मैं प्रभु के चरण स्पर्श करूं, क्यों करूं और स्पर्श करूंगा तो मेरे शरीर पे बहुत सारे गहने हैं जिनमें पाषाण के नग लगे हुए हैं और मैं जैसे ही प्रभु के चरण स्पर्श करूंगी, जिस प्रकार अहिल्या पत्थर की थी पर प्रभु ने अपना चरण जैसे ही स्पर्श किया तो वह सजीव स्त्री हो गई, उसी प्रकार मैं यदि प्रभु के चरण स्पर्श करूंगी तो अनेकों स्त्रियां सजीव हो जाएगी और वह प्रभु से प्रेम करने लगेगी। यह मन में संकोच जब सीता जी आया तो उनकी प्रीति को देखकर, अलौकिक प्रीति थी यह सीता जी मन में, तो उनको देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसे। दूसरा कारण यह है कि सीता जी के मन में एक और भी भाव था, उनने उस भाव को मन में लाया कि साकेत धाम में जब प्रभु के साथ सीता जी ने यह तय किया था, वो सीता जी ने कहा था कि यदि आप किसी पर नारी को अंगीकार नहीं करोगे तो मैं अगले जन्म में अवतार लूंगी, परंतु सीता जी यहाँ याद दिला रही हैं प्रभु को कि आपने तो पर नारी का स्पर्श कर चुका है। यह याद दिलाते हुए उनके मन में और भी एक प्रीति जाग उठती है, इस प्रीति को देखकर प्रभु के मन में हंसने का भाव आता है। तीसरी बात यह इसी चरण में नहीं छूती है कि सीता जी राम को देख रहे हैं और राम सीता जी को देख रहे हैं, उनके मन में दोनों के मन में एक अलग ही प्रेम अलौकिक लीला हो रही है। इस भाव को सीता जी समझ रही है
कि मैं यदि प्रभु के चरण स्पर्श कर लूंगी तो मेरी सखियां यहां से तुरंत ही महल में ले जा लेंगी और मुझे प्रभु का जो साक्षात्कार दिख रहा है वह योग में हो जाएगा। इस भाव को भी देखकर प्रभु हंसे हैं और आगे सीता जी के मन में एक भाव और आया कि प्रभु की जो प्रीति थी और प्रभु ने उस प्रीति को जाना कि सीता जी पुरानी प्रीति को भूलकर संशय में पड़ गई है। इस भाव को भी प्रभु ने समझकर अलोक प्रीति जानकर मन में हंसा और विशेष भाव एक यह है कि अहिल्या जो जिसका प्रभु ने स्पर्श किया था, सीता जी कहते हैं कि आपने तो सीता जी को अहिल्या को दो बार स्पर्श कर चुके हैं। पहला तो जब अहिल्या पत्थर की थी तब आपने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद जब वह नारी रूप में आई तब उन्होंने आपके चरण स्पर्श किए। इस प्रकार अहिल्या ने आपको दो बार चरण स्पर्श कर लिए और अहिल्या चरण स्पर्श करते कहां से कहां चली गई। तो यह भाव सीता जी के मन में आता है कि यदि मैं अगर चरण स्पर्श करूं तो हो सकता है मुझे भी प्रभु से वियोग होना पड़े। यह भाव जाता है। इस भाव को लेकर भी प्रभु समझ जाते हैं कि संकोच हो रहा है और मन में हंसी आती है। इस प्रकार से सीता जी की अलौकिक प्रीति प्रभु मन ही मन देखते रहते हैं और समझ जाते हैं कि सीता जी का भाव तो और प्रेम तो निश्चल है, परंतु प्रभु यहाँ पर एक लीला दिखा रहे हैं, नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रभु से रामचंद्र की और सीता जी की छवि इतनी सुंदर है कि उस सभा में सभी नर नारियां देखकर मोहित हो जाते हैं। यही इस प्रसंग का भाव समझ में आता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए द्वितीय प्रसंग की ओर ले चलते हैं जो स्वतंत्र देवी की पर आधारित है। Thank you.
रानी। जागो जागो ज्योति रूपनी, जागो जाला रानी। जागो जागो ज्योति रूपनी, जागो जाला रानी। जागो जागो ज्योति रूपनी, जागो जाला रानी। जागो नगर कोट जग रानी, जागो जागो ज्योति रूपनी, जागो जाला रानी।
रूपनी।